Good morning, student. Today I will discuss about the combination or the grouping of capacitor. How can we combine or how can we group different capacitor? तो last class में मैंने आप लोगों को बताया था what will be the capacity of parallel plate capacitor in the absence of dielectric and also in the presence of dielectric. मैंने बताया था अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हम लोग डालते हैं तो इसका कैपेसिटी बढ़ता है. क्यों बढ़ता है इसका कारण मैंने बताया था. आज हम लोग बात करेंगे अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं तो उन कैपेसिटर को कैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे. जैसे बहुत समय हम लोग को दरकार पड़ जाता है, जैसे हमको 4 माइक्रोफारड कैपेसिटी हमको चाहिए, लेकिन हमारे पास 4 माइक्रोफारड कैपेसिटी का कैपेसिटर हमारे पास नहीं है, 2 और 2 माइक्रोफारड कैपेसिटी का कैपेसिटर है. तो 4 तो नहीं है लेकिन 2 माइक्रोफारड है, तो क्या 2 और 2 को कनेक्ट करने से क्या 4 होगा? तो कनेक्ट अगर हम लोग करेंगे तो कैसा कनेक्ट करेंगे? और एक सवाल भी, और एक दिक्कत भी आ सकता है, वो है हमको चाहिए 1 माइक्रोफारड का कैपेसिटी, लेकिन हमारे पास 2 माइक्रोफारड का कैपेसिटर ही है या उससे ज़्यादा वाला है. 1 वाला नहीं है, 2 माइक्रोफारड का 2 ठो 3 ठो या उससे ज़्यादा वाला है आपका, लेकिन 1 माइक्रोफारड का नहीं है, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी है लेकिन हमको चाहिए कम. तो कम कैसे करेंगे? तो 2 तरीका है हमारे पास, इसी तरीका को हम लोग बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर को हम लोग 2 या बात अगर बोले तो 3 तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं. पहला तरह का कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर इन सीरीज, या पहला तरह का ग्रुपिंग को बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा को बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग. तीसरा तरह है जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, वो है मिक्स्ड ग्रुपिंग. मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, ना सीरीज और पैरेलल दोनों में एक साथ हमारे पास 2-3 कैपेसिटर है या 4-5-6-7 कैपेसिटर, कुछ को सीरीज में जोड़ दिए, हो सकता है कुछ को पैरेलल में जोड़ दिए, तो उस तरह का ग्रुपिंग को हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग. मैंने बैटरी के साथ कुछ को हो सकता है सीरीज में जोड़ दे रहे, कुछ को पैरेलल में जोड़ रहे, तो वो होगा आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग. तो 3 तरह से हम लोग कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड. तो हम लोग आज बात करेंगे सीरीज का, बात करेंगे हम लोग पैरेलल का. तो कैसे कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन. तो देखिए, हियर वी हैव कंसिडर्ड 3 कैपेसिटर हैविंग डिफरेंट कैपेसिटी C1, C2 एंड C3. 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटी अलग अलग है. दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी. ए और बी के बीच में ही तीनों कनेक्ट है, और ए और बी को जो हम लोग कनेक्ट किए हैं वो एक बैटरी के साथ हम लोग कनेक्ट किए. इस बैटरी का वोल्टेज है आपका वी, माने इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वी, या तो हम लोग बोल सकते ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वी. पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स यहाँ पर का पोटेंशियल और यहाँ पर का पोटेंशियल को अगर घटाएंगे तो जो आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 है, यहाँ का पोटेंशियल अगर मान लीजिए 4 है, तो 10 माइनस 4 6, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस. आप लोग जानते हैं ये सब, आप लोग पिछले क्लासेस सब में आप लोग पढ़े हो, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो अगर करना है पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, जैसे पानी को फ्लो करने के लिए हाइट का डिफरेंस चाहिए, विंड को फ्लो करने के लिए, हवा को फ्लो करने के लिए आप लोग जानते हैं प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए, इसी तरह से चार्ज या करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए. और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता, ना सेल, बैटरी, ये सब हम लोग को प्रोवाइड करता है. तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस से भी, तो ए और बी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया जाए लेट इट बी V1, यहाँ और यहाँ का है V2 और यहाँ और यहाँ का है V3. तो V1 प्लस V2 प्लस V3 को अगर आप लोग जोड़ोगे तो आपको मिलना चाहिए V. तो हम लोग बात कर रहे थे जिसको हम छोड़ दिए थे, वो है सीरीज कनेक्शन. कैसा कनेक्शन का हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन. देखिए, कैपेसिटर में आप लोग जानते हैं एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव प्लेट होता है. जैसे ही हम लोग यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जैसे ही फ्लो करेगा इस प्लेट में, तो ये प्लेट में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएगा.
यहाँ पर नेगेटिव चार्जेज अगर इंड्यूस्ड हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर नेगेटिव चार्ज होगा इंड्यूस्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा फिर नेगेटिव चार्ज, फिर ऐसा करके ये फ्लो करेगा। इन सिंपली अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो इस ढंग से हम लोग समझ सकते हैं इन सिंपली। अब हम लोग सीरीज कनेक्शन किसको बोलते हैं? पहला कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट अगर बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्ट, पहला कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दैट इज नेगेटिव प्लेट दूसरा कैपेसिटर का पॉजिटिव के साथ जॉइंट हो, दूसरा का नेगेटिव तीसरा का पॉजिटिव के साथ, तीसरा का नेगेटिव अगर होता चौथा का पॉजिटिव के साथ, चौथा का नेगेटिव पांचवा का पॉजिटिव के साथ, इस ढंग से अगर कनेक्ट हो, पहला कैपेसिटर का पहला प्लेट बैटरी का पॉजिटिव के साथ और लास्ट कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट बैटरी का नेगेटिव के साथ, और एक दूसरे के साथ एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव के साथ और एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव के साथ, इस ढंग का कनेक्शन का हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। दिवाली में देखिएगा कुछ बल्ब हम लोग लगाते थे सजाने के लिए, उसको हम लोग सीरीज कनेक्शन टाइप का हम लोग बल्ब को सजाते थे। जैसे हमारे पास तीन बल्ब है, पहला बल्ब मैंने कोई भी बल्ब में दो तार निकलेगा, ये सब बल्ब में दो तार निकला तो पहला बल्ब का जो तार है इसको बैटरी का पॉजिटिव के साथ हमने जोड़ दिया, इसका जो दूसरा तार है दूसरा के साथ जोड़िए, फिर है तीसरा के साथ जोड़िए, फिर ऐसा करके इसको पूरा सर्किट को कंप्लीट किए, तो इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे इस तरह का कनेक्शन अगर हम लोग करें, अगर बाई चांस ये वाला बल्ब अगर फ्यूज हो जाए, फ्यूज माने फिलामेंट उसका कट जाए, तो करंट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद वो तो पार नहीं हो पा रहा, तो ये बल्ब या इसके बाद में भी जो बल्ब है वो आपका इसका आगे वाला जितना भी बल्ब है वो जलेगा नहीं, तो इस तरह का कनेक्शन का हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, सभी बल्ब को हम लोग बैटरी के साथ अलग अलग ढंग से हम लोग कनेक्ट करेंगे। जैसा इसको कैपेसिटर नहीं मान के अगर बल्ब मान लेते हैं हम लोग, हालांकि ये तो है ही आपका एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उदाहरण के लिए जैसे हम लोग बल्ब लिए हैं तो इसको अगर बल्ब अगर हम ले लेंगे तो देखिए पहला बल्ब ए के साथ जुड़ा है, दूसरा बल्ब भी ए के साथ जुड़ा है, तीसरा बल्ब भी ए के साथ जुड़ा है, तो इस पे जाने के लिए इस पे जाने के लिए इस पे जाने के लिए अलग अलग रास्ता है। अगर ये वाला बल्ब अगर फ्यूज हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, इधर से करंट फ्लो करके ये वाला बल्ब जलेगा, इधर से करंट फ्लो करके ये वाला बल्ब जलेगा, तो जो बल्ब फ्यूज होगा खाली वही नहीं जलेगा बाद बाकी बल्ब जलेगा, इस तरह का कनेक्शन का हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। जैसे हमारा घर में हम लोग जो भी कनेक्शन करके रखते हैं, जैसे आप लोग देखिए पंखा का बल्ब का सबका स्विच अलग, अगर एक ही स्विच में दो बल्ब जल रहा तो कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन, एक ही स्विच में दो पंखा चल रहा तो दो पंखा के बीच का कनेक्शन होगा सीरीज कनेक्शन। लेकिन घर में आप लोग जानते हैं हम लोग कैसा करके रखते हैं, जो अरेंजमेंट हमारा रहता है हर एक बल्ब का हर एक फैन का अलग अलग स्विच, तो अलग अलग स्विच मैंने हम लोग अगर बंद करना चाहेंगे तो फैन ही बंद होगा, बंद करना चाहेंगे तो बल्ब भी बंद होगा, लेकिन यहाँ पर अगर बंद करना चाहेंगे तो तीनों बल्ब भी बंद हो जाए, चालू करना चाहेंगे तो तीनों आपका एक साथ चलेगा। तो हमको लग रहा थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा दिया आप लोगों को सीरीज पैरेलल, आप लोग मैट्रिक लेवल में आप लोग पढ़े हो जो सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन रजिस्टर को लेकर के आप लोग स्टडी किए हो। आज हम लोग बात करें कैपेसिटर का, तो पैरेलल में हम लोग इस ढंग से कनेक्ट हम लोग करते हैं। और कुछ बात आप लोगों को याद रखना चाहिए सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सेम करंट या सेम चार्जेस फ्लो होगा, यहाँ से जो करंट जा रहा ये अगर तीन तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जा रहा तो तीन तो ही नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा, फिर यहाँ पर तीन तो पॉजिटिव होगा, तीन तो नेगेटिव होगा, तीन तो पॉजिटिव, तीन तो नेगेटिव, इसका मतलब सेम चार्ज फ्लो कर, सेम चार्ज माने सेम करंट फ्लो कर, तो हम करंट पे नहीं जा रहे हम जाएंगे सेम चार्ज तीनों पे फ्लो कर, तीनों का कैपेसिटी अलग अलग है माने अलग अलग चार्ज को स्टोर करने का क्षमता है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, चार्ज सभी कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा या जो चार्ज इधर से इधर इंड्यूस्ड होगा वो होगा सेम, या हम लोग बोल सकते हैं करंट जो फ्लो करेगा वो होगा आपका सेम, चार्ज या करंट जो फ्लो होगा सीरीज कनेक्शन में वो रहेगा सेम। लेकिन वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज इस कैपेसिटर का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, तो वोल्टेज चूंकि अलग अलग है तो वोल्टेज को जोड़ दीजिए, टोटल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, चूंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं फॉर्मूला V इक्वल टू Q बाय C, तो V1 इक्वल टू होना चाहिए Q1 बाय C1, V2 इक्वल टू होना चाहिए Q2 बाय C2, V3 इक्वल टू होना चाहिए Q3 बाय C3, लेकिन हम क्या बोले चार्ज सब में सेम होगा इसलिए अलग अलग नाम देने का कोई दरकार नहीं, सेम चार्ज का नाम हम देंगे Q, इसलिए सब में Q Q दिए हैं, तो इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे Q 1 बाई सी वन, 1 बाई सी टू, 1 बाई सी थ्री। अब टोटल अगर कैपेसिटी सीरीज का टोटल कैपेसिटी, तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ने से टोटल कैपेसिटी अगर
उसको अगर हम मानते हैं सी एस, एस माने यहाँ पर सीरीज, तो चूंकि वी बराबर क्या होगा आपका, वी माने टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल बराबर टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी। तो वी जैसे वी वन के जगह में क्यू बाई सी वन लिखे, तो टोटल वोल्टेज वी के जगह में क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी एस लिखेंगे। तो ये क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो गया, वन बाई सी एस बराबर वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, और अगर रहता प्लस वन बाई सी फोर प्लस वन बाई सी। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे, हम लोग देख रहे कैपेसिटर को अगर हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जो कैपेसिटी हम लोग को मिल रहा वो क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, देखिए रेसिप्रोकल में। इसका मतलब हम लोग को कैपेसिटी क्या होगा ना, हमारा घट जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ओनली टू कैपेसिटर को हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक का सी वन है टू माइक्रोफारड और एक का कैपेसिटी सी टू है टू माइक्रोफारड। तो सी एस कितना होगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला वन बाई सी एस इक्वल टू वन बाई सी वन, मैंने वन बाई टू प्लस वन बाई टू, तो हाफ प्लस हाफ मैंने वन, तो हम लोग लिख सकते हैं वन बाई वन। तो वन बाई सी एस इक्वल टू वन बाई वन, दिस इंप्लाइज क्या होगा, सी एस इक्वल टू वन। इसका मतलब पहले हम लोग का कैपेसिटी था सी वन और एक का कैपेसिटी था सी टू, दोनों को जोड़ने से सीरीज में कैपेसिटी क्या होगा, जो मैं पहले ही बता रहा था, हमारे पास दो टू कैपेसिटर है लेकिन कैपेसिटी है ज़्यादा, हमको चाहिए वन कैपेसिटी, लेकिन वन कैपेसिटी वन माइक्रोफारड कैपेसिटी का कैपेसिटर हमारे पास नहीं है, हमारे पास दो टू कैपेसिटर है जो टू और टू माइक्रो ज़्यादा का है लेकिन हमको चाहिए कम। तो क्या करेंगे, काम हम लोग का चल जाएगा, दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए तो हम लोग का काम चल जाएगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कौन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल, तो बहुत ही इजी है पैरेलल कनेक्शन, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इस ढंग से कनेक्शन को थ्री कैपेसिटर यू हैव टेकन, देयर कैपेसिटी आर डिफरेंट, एक का सी वन एक का सी टू एक का सी थ्री, लेकिन हम लोग जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, चूंकि सबका कैपेसिटी अलग अलग और सबका रास्ता भी अलग अलग है, तो जिसका कैपेसिटी ज़्यादा है उसमें ज़्यादा चार्जेस स्टोर होगा, इसमें जैसे तीन चार्ज एग्जांपल के लिए तीन चार्ज स्टोर होगा, इसका कैपेसिटी मान लेते हैं थोड़ा कम है, इसका कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा कुछ स्टोर किया, इसका कैपेसिटी और ज़्यादा है तो और ज़्यादा कुछ स्टोर किया। जैसे मान लीजिए इधर से पानी जा रहा है और यहाँ पर हमारे पास टैंकर है, तो कौन सा टैंकर में कितना पानी स्टोर होगा, जो टैंकर थोड़ा बड़ा होगा उस टैंकर में ज़्यादा पानी जाएगा, जिस जो टैंकर छोटा है उसमें कम पानी। यहाँ पर अगर टैंकर बड़ा भी अगर होता तो एक ही रास्ता से सूखे जा रहा तो एक ही पानी ही सब में तो पार होता ना, लेकिन यहाँ पर अलग अलग उसका रास्ता है इसीलिए अलग अलग ढंग से चार्ज स्टोर होगा। तो इसीलिए मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर पाँच, इसका मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ सब में अलग अलग चार्ज। जैसे यहाँ पर सब में क्यू क्यू चार्ज था, इसमें सब में अलग अलग चार्ज, एक में क्यू वन है एक में क्यू टू है एक में क्यू थ्री, हाँ एक तरह में प्लस है एक तरह में माइनस है, क्योंकि कैपेसिटर का दो प्लेट, एक तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है और एक तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव होता है। तो अब चूंकि ये सारा कैपेसिटर ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर सारा कैपेसिटर सी वन ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ नहीं था, सी वन जुड़ा होता ए और इस पॉइंट के बीच में, सी टू जुड़ा होता इस पॉइंट, ये मान लीजिए वन पॉइंट ये टू पॉइंट, सी वन जुड़ा हुआ ए और वन पॉइंट के बीच में, सी टू जुड़ा हुआ वन और टू पॉइंट के बीच में, सी थ्री जुड़ा टू और बी पॉइंट के बीच में, इसीलिए सबका वोल्टेज अलग अलग हो गया। लेकिन देखिए ये कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ ए और बी के बीच में, ये भी जुड़ा हुआ ए और बी के बीच में, ये भी जुड़ा ए और बी के बीच में, इसका मतलब सभी सेम वोल्टेज डिफरेंस, ए और बी का जो वोल्टेज का अंतर होगा इसका भी वही अंतर होगा, इसका भी वही अंतर होगा, ये इसका भी वही अंतर। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज कैपेसिटर में चार्ज या करंट सेम होगा, पैरेलल में क्या सेम होगा ना, पैरेलल में सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, सेम वोल्टेज फ्लो होगा। इसीलिए अगर आप लोग घर में बत्ती जलाते हैं, सब बत्ती अगर पैरेलल में रहता और सब बत्ती आप लोग अगर खरीदे होंगे सेम वाट का खरीदेंगे, मतलब सेम पावर का सब बल्ब अगर है, तो देखिएगा सबको अगर पैरेलली अगर आप लोग जोड़ेंगे तो सबका जो वोल्टेज ग्लो, जो वोल्टेज हम लोग को मिलेगा, सब में सेम वोल्टेज हम लोग को मिलेगा। एक ही कंपनी का अगर सब पंखा को आप जोड़े हैं और पैरेलल में जोड़ा तो एक ही टाइप का हवा मिलेगा, लेकिन सीरीज में अगर आप जोड़ते हैं, सीरीज में जैसे तीन बल्ब को यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे सीरीज में, तो पहला बल्ब को हम लोग अगर देख रहे, पहला बल्ब सबका कैपेसिटी अगर सेम भी होता तो पहला बल्ब को ज़्यादा वोल्टेज मिलता, फिर थोड़ा कम, फिर कम, और जितना दूर जाता ये घटता 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 ही जाता। तो हम लोग बोल सकते हैं सीरीज में चार्ज और करंट सेम होगा, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, चार्ज अलग अलग होगा।
चूंकि यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग था इसलिए वोल्टेज को जोड़ देंगे, यहाँ पर चार्ज अलग अलग है तो चार्ज को जोड़ देंगे, तो टोटल चार्ज, टोटल करंट अगर आई था और टोटल चार्ज अगर क्यू फ्लो हो रहा था तो इधर का चार्ज इधर यहाँ तक अगर क्यू पहुंचा था, इधर चला गया क्यू वन, इधर चला गया क्यू टू, इधर चला गया क्यू थ्री, तो फिर इन लोग मिल गया और मिल करके क्यू चार्ज आ गया। तो चूंकि चार्ज अलग अलग है इसलिए चार्ज को जोड़ दीजिए, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, आप लोग जानते हैं V इक्वल टू क्यू बाई सी होता तो Q इक्वल टू होगा सी भी, तो Q1 इक्वल टू होना चाहिए सी वन वी वन, या सी टू वी टू, या सी थ्री वी थ्री, लेकिन वी वन वी टू वी थ्री नहीं लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर V रहेगा कॉमन, सी वन सी टू प्लस सी थ्री लिखेंगे, लेकिन Q अगर टोटल चार्ज है तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू V इंटू सी, क्योंकि टोटल वोल्टेज है V और टोटल कैपेसिटी तीनों का पैरेलल में जोड़ने से उसका नाम होता है सी पी, सी पी माने पी माने पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल और सी एस में कैपेसिटर इन सीरीज, तो वी और वी कैंसल आउट हो गया, तो हम लोगों का जो यहाँ पर बचा वो बचा सी पी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। इसका मतलब अगर आपके पास दो माइक्रोफराड का दो ठो कैपेसिटर है और अगर उसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं, आपको अगर चार चाहिए तो उसको पैरेलल में जोड़िए क्योंकि टू प्लस टू इक्वल टू फोर होगा, और अगर आपको आपके पास टू टू माइक्रोफराड का है और आपको वन चाहिए तो उसको सीरीज में जोड़िए, तो सीरीज में अगर कम जितना आपके पास है कैपेसिटर उससे भी अगर कम चाहिए तो सीरीज में जोड़िए, और जितना है उससे भी अगर ज़्यादा चाहिए तो आप पैरेलल में जोड़िए। हमको लग रहा है आप मोटा मोटी समझ गए होंगे सीरीज और पैरेलल। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम में बीच बीच में ये वाला आ जाता है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर हो रहा है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये एक फिगर है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको चार्जिंग कर रही है, चार्जर से हमने लगाए हैं, ये पॉजिटिव है उसका नेगेटिव है, तो चार्जेस इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है, इधर में नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंड्यूस्ड हो जा रहा, फिर इसका जो अपोजिट इनमें जो नेगेटिव है वो फिर से फ्लो हो करके पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस ढंग से सर्किट वाला पूरा कर रहा। तो मान लिया जाए एक समय में इसमें जो चार्ज था कितना चार्ज था क्यू, और इसका कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करके रखने का जो उसका क्षमता है वो है सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भी ना वी इक्वल टू क्यू बाई सी। अब आप लोग जानते हैं पोटेंशियल अगर वी इक्वल टू क्यू बाई सी है, आप लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़े हो, पोटेंशियल एनर्जी आपको याद होगा वी इक्वल टू होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर या क्यू वन बाई आर, और यू पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो पोटेंशियल का मतलब क्या था, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब टेस्ट चार्ज, एक बड़ा चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना जगह में हम लोग लिख सकते हैं दिस इज वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन बाई आर, इसके जगह में तो हम लोग लिख सकते हैं भी, और ये जो बाद बाकी एक तो चार्ज था उसका नाम था क्या क्यू टू, उसको क्यू टू नहीं करके छोटा अगर चार्ज है उसका नाम दे सकते हैं हम लोग डी क्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो U के जगह में, चूंकि इसका डी क्यू हम लोग दिए तो U भी के जगह में भी लेंगे डी यू, डी यू का मतलब डी क्यू का मतलब छोटा चार्ज, डी यू का मतलब छोटा पोटेंशियल एनर्जी, तो डी यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं वी डी क्यू। इसका मतलब क्या, पहले तो पोटेंशियल था ही इतना, और कुछ चार्ज को अगर इस प्लेट में हम ऐड करना चाह रहे हैं, पहले तो हम लोग का चार्ज है क्यू, पोटेंशियल उसका भी, कैपेसिटी है सी, और थोड़ा सा चार्ज को अगर हम ऐड करना चाहेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन, क्योंकि और थोड़ा नेगेटिव अगर इसमें आएगा तो पहले जो नेगेटिव था वो तो उसको रिपल करेगा, इस नेगेटिव को फिर से अगर इसमें आपको लाना है तो कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा, और आप लोग जानते हैं वर्क इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी। मैं दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस कलम को जमीन से उठाने के लिए, जब इस कलम को जमीन से उठा करके एक हाइट में आप रखिएगा तो देखिएगा कलम का एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, आप लोग पढ़े हो स्कूल और इंटर लेवल में आप लोग पढ़े हो, दैट इज इक्वल टू एम जी एच, एम माने मास, एच माने हाइट, और जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब अर्थ कोई भी बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में आप इसको उठा रहे हो, मैंने आप कुछ वर्क डन कर रहे हो, दैट वर्क डन इज बीइंग स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑन दिस बॉडी। जो हम काम कर रहे वही काम इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाए। यहाँ पर भी जो काम हम करेंगे, ये जो एडिशनल चार्ज को, इस चार्ज को अगर हमको यहाँ पर ले जाना है
तो ये रिपल्सन के चलते जाने नहीं दे रहा, जैसे पृथ्वी इस कलम को उठने नहीं दे रहा, अट्रैक्शन के चलते, तो अट्रैक्शन के विरुद्ध में काम करना पड़ रहा था, यहाँ पर हमको रिपल्सन के विरुद्ध में काम करना पड़ेगा। तो जितना हम काम करेंगे छोटा चार्ज को जोड़ने के लिए छोटा काम, तो ये हो गया आपका छोटा पोटेंशियल एनर्जी। तो डी यू बराबर हो गया वी डी क्यू, लेकिन वी बराबर तो हम लिए थे क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी ले लेंगे। तो छोटा सा चार्ज को जोड़ने के लिए हमको डी यू या डी डब्ल्यू काम हमको करना पड़ा। तो डी डब्ल्यू काम अगर करे तो छोटा सा ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो, अगर पूरा पोटेंशियल है कितना पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टोर होना है इसमें, अगर हम जानना चाहते हैं तो छोटा चीज के बारे में अगर पता है इसको बड़ा करने का मतलब क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देना। तो आप लोग जानते हो डी यू को इंटीग्रेट करेंगे, पहले एनर्जी था जीरो, फ्यूचर में एनर्जी हो गया यू, चूँकि आप लोग जानते हैं डी यू का इंटीग्रेशन होगा यू, लिमिट कितना है जीरो टू यू, तो जीरो और यू, तो इसमें एक बार यू के जगह में यू पुट कीजिए ऊपर वाला, फिर माइनस करके पुट कीजिए नीचे वाला, तो यू माइनस जीरो माने यू। तो डी यू का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर यू। यहाँ पर देखिए कैपेसिटी, चूँकि कैपेसिटी तो बढ़ नहीं रहा, जितना स्टोर करने की क्षमता तो उतना ही तो है, हम लोग जो टैंकर लिए हैं जो उसका तो बढ़ नहीं रहा, इसका भी कैपेसिटी तो फिक्स्ड लिए हैं, उसका कैपेसिटी तो फिक्स्ड है, वन बाई सी को बाहर कर दे, खाली क्या चेंज हो रहा, पहले चार्ज था कम, धीरे धीरे और चार्ज मिल रहा, तो क्यू चेंज हो रहा, तो क्यू डी क्यू आप लोग पढ़े हो इंटीग्रेशन में, एक्स डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो क्यू डी क्यू का क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई टू, तो टू भी तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले आइए, और उसमें लिमिट दी है क्या, पहले जब कुछ भी चार्ज नहीं था तो जीरो चार्ज था, फुल चार्ज हो गया तो क्यू हो गया, तो इस टू को भी बाहर ले जाइए, तो ये क्यू के जगह में एक बार बड़ा क्यू डालेंगे, स्क्वायर है तो बड़ा क्यू के स्क्वायर, माइनस करके नीचे में जीरो है तो यहाँ पर जीरो स्क्वायर, जीरो तो हट जाएगा तो बचेगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हुआ यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला को और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, क्यू इक्वल टू आप लोग जानते हैं सी वी होता है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, सी सी कट गया हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी तो फॉर्मूला, या तो यू इक्वल टू यहाँ पर क्या है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, सी के जगह में हम लिख सकते हैं क्यू बाई वी, तो क्यू क्यू कट गया तो हाफ ये एक तो क्यू बचा और ये भी ऊपर आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं यू बराबर हाफ क्यू भी, ये भी एक तो फॉर्मूला हो सकता है, और यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी एक तो फॉर्मूला हो सकता है, और यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो बहुत सारा फार्मूला हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो दिस इज ओरिजिनल फार्मूला, और यहाँ से ही ये सब फार्मूला पुट करके आप लोग और भी कुछ फार्मूला निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।